सिरोंज विदिशा जिले की लटेरी जनपद पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक राजन उर्फ राजेश यादव के घर गुरुवार को लोकायुक्त टीम ने छापा मारा तो उसके पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति के सबूत मिले। लोकायुक्त निरीक्षक नीलम पटवा ने बताया कि रोजगार सहायक के पास दो पोकलेन मशीन, लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, 34 बीघा जमीन, 2 प्लांट और 1.25 लाख रुपए नगद सहित कुल 2.5 करोड़ की चल अचल संपत्ति पाई गई। इसके अलावा उसके पास 40 बीघा प्रत्येक जमीन अलग से है। राजन के खिलाफ शिकायत मिली थी कि उसने रोजगार सहायक के पद पर रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। राजन यादव पिछले 8 साल से रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हैं। नौकरी की शुरुआत में उसे 3,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था जो अब करीब 9,000 रुपए है। ये राजन यादव रोजगार सहायक है, यहीं आपके लटेरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में टिलोनी ग्राम पंचायत है और लटेरी तहसील में है। शिकायत आई थी 3 मार्च को। आवेदक है हमारे यहाँ नेपाल यादव और रामराज यादव। उन्होंने शिकायत की थी कि इन्होंने 10 साल की सरकारी नौकरी इनकी हुई है, 10 साल सेवा में आया हुआ है और 10 साल में इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो उसके परिपालन में हम लोगों ने अपना गोपनीय सत्यापन के तौर पे जो जो हमने जानकारी कलेक्ट की उसके आधार पे आज हम लोगों ने यहाँ छापामारी की कार्रवाई की है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। इसमें हमने ये पाया कि इस ये जो कर्मचारी है राजन यादव, 2 JCB मशीन, एक तो हिताची कंपनी की पोकलैंड जिसकी कीमत 54,50,000 है और एक सैनिक कंपनी का है जो 48 लाख है और इसके पास एक ब्रेजा कार है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, एक साइन मोटरसाइकिल जैसे देख रहे हैं आप लोग बगल में ये खड़ी है, ये है, ऐसी काफ़ी संपत्ति इन्हें अर्जित की है। और इस बीच जब से नौकरी में आया उसके पश्चात ही इसने कम से कम 8 रकबे की रजिस्ट्री अपने नाम से कराई है। ये हमारे पास पूरे दस्तावेजी साक्ष हो गए। लगभग टोटल कितना होगा? लगभग अभी इनके पास जो आया 32-35 बीघा है अभी, और हमारे कागज वागज हम चेक कर रहे हैं जितना और बढ़ जाएगा। कितनी जगह ये कार्रवाई की गई है और आप कितनी टीम है? अभी फिलहाल 2 जगह पे कार्रवाई चल रही है, एक ये जहां राजन यादव मुख्य आरोपी रहता है वहां, दूसरा उनका जो पिताजी का घर है ग्राम मोरी तिलोनी। मकान कितने पाए गए? मकान इसमें 2 तो इसके प्लॉट पाए गए आपके ही एरिया में, श्रीजीपुरम कॉलोनी है वहाँ 2 प्लॉट का पता चला है और एक यहीं आप 500 मीटर दूर जाएंगे तो एक 2,000 स्क्वायर फीट की जमीन पे निर्माणाधीन मकान है। तो एक मकान वो है, एक मकान क्या कार्रवाई होगी इसमें? आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया, भ्रष्टाचार। अनुमानित कितनी संपत्ति शो हो चुकी है अभी तक? लगभग 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ लगभग हो चुकी है। कोई पैतृक संपत्ति? पैतृक संपत्ति है, 40 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं इन लोग, पैतृक संपत्ति है इनके पास, जमीन है। इस नौकरी में आने के बाद इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ संपत्ति अर्जित की, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल, और हमने अभी जांच, अभी हमको प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है और अभी जो हम इनके घर की सर्च वर्च कर रहे हैं तो सोना भी काफ़ी मिला है और 1 लाख रुपये कैश नगद मिला हुआ है घर से, एक 4500 शायद, वर्तमान में इनकी 9,000 पेमेंट है, 9,000 पेमेंट पाने वाले के घर में 1 लाख रुपए कैश, 1 नहीं 1.25 लाख के आसपास है। अभी हम काउंट करेंगे लेकिन एक की तो मोटी गड्डी अलग से थी, बाकी चिल्ला रहे हैं। तो मैडम क्या लगता है आपको इस सिरोंज से? नसीम खान की रिपोर्ट।